हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों की सफाइयाँ कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना। तो किचन से निकलता है हमारा ढेर सारा कचरा और उनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो कुछ वीडियो आज का उसी से रिलेटेड है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और रेड बटन को दबा के कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास हमारी किचन में होता है हमारा ढेर सारा सामान, कुछ हमारा गिफ्टेड होता है, कुछ हम ऑफर में स्कीम के साथ में लेकर आते हैं और कुछ हमें पसंद आ जाता है तो हम लेकर आते हैं। और इस तरह से करते करते हमारी किचन में भर जाते हैं ढेर सारे बर्तन। कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें हम यूज तो करते हैं रेगुलर, और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम टच भी नहीं करते, वो ऐसे ही रखे रहते हैं, अननेसेसरी हमारी किचन में स्पेस को कवर करके रखे रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे ऐसे बर्तनों को छाटिए जो आप रेगुलर यूज करते हैं, और जो बर्तन आपके काम के नहीं है उन बर्तनों को आप हटा दीजिए। टूटे फूटे बर्तन होते हैं उनको भी आप हटा दीजिए, और जो आप यूज में नहीं लाते उन बर्तनों को भी हटा दीजिए। और ऐसे बर्तनों को आप किसी को दे सकते हैं जो आप यूज में नहीं ला रहे हैं, उन बर्तनों को लेकर आप किसी दूसरे इंसान को दे दीजिए, अपने हाउस हेल्पर को दे दीजिए या फिर किसी और को दे दीजिए, जिससे कि वो बर्तन वहां पे जाके वो उनके यूज में आए, वो उन्हें यूज कर सके। क्योंकि आपके पास तो रखे हुए वो बर्तन सिर्फ स्पेस को ही कवर कर रहे हैं, बाकी आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते हमारे पास ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उन्हें सेपरेटली कर लीजिए, देख लीजिए, और ऐसा करने से आपके जो काफी आपके किचन में जो स्पेस है वो भी खाली हो जाएगा, और जो अननेसेसरी के बर्तन भरे हुए हैं आपके पास में वो भी वहां से हट जाएंगे और वो किसी के काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से करके आप अपनी किचन से निकाल सकते हैं ढेर सारे आपके ऐसे बर्तनों को जो आपके यूज में नहीं है। तो जब भी आप अपनी किचन में डीक्लटरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा दो पार्ट में उन्हें करना चाहिए आपको। तो देखिए, पहला पार्ट आप वो बना लीजिए जो कि आप अपने पास बर्तनों को खुद रखने वाले हैं, तो एक पार्ट आप वो रखिए, और दूसरा पार्ट आप वो रखिए जो आप बर्तनों को हटाने वाले हैं या फिर आप किसी को देने वाले हैं। तो आप एक तरीके से बास्केट भी बना सकते हैं या फिर कोई बॉक्स भी ले सकते हैं, उसमें आप जो अपने पुराने बर्तनों को हटा रहे हैं उन बर्तनों को आप उसके अंदर रख सकते हैं, जिससे कि वो सेपरेट हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से और आपके बर्तनों में मिक्सअप भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से करके आप उन बर्तनों को अलग कर दीजिए, अच्छे से छांट लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि कौन से बर्तन आपके काम के नहीं हैं और कौन से बर्तनों को आप यूज़ नहीं करते हैं। अननेसेसरी ज़्यादा बर्तनों को अपनी किचन में स्टोर मत करिए। तो जब भी आप अपनी किचन में डीक्लटर का काम स्टार्ट करते हैं, उनकी छटनी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे बर्तनों को आप एक साथ निकाल लीजिए, जिससे होगा क्या कि आपको भी पता रहेगा कि आपके पास में कौन कौन से बर्तन हैं, कितने बर्तन हैं। नहीं तो क्या होता है कि कुछ बर्तन इधर रह जाएंगे और कुछ बर्तन उधर रह जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने बर्तनों को डिक्लेटर नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक साथ अपने सारे बर्तनों को निकाल लीजिए, उनको तसल्ली से देख लीजिए कि इसमें आपके कौन से बर्तन कितने हैं और कितने बर्तनों को आप रेगुलर यूज़ में करते हैं, और जो रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं आपके बड़े बड़े बर्तन हैं तो उनको आप हटा के किसी दूसरे स्पेस में रख सकते हैं, और जो बर्तनों को आप यूज़ करते हैं उनको आप अपने हिसाब से वहाँ पे अपने किचन में प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बर्तनों को एक साथ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारे बर्तनों को निकालने के बाद आप उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आपके पास कितने कुकर हैं, कितने भगोने हैं, कितने कैसरोल हैं, कितने जो ऐसे आइटम हैं जिनको आप रेगुलर यूज़ करते हैं। क्योंकि कई बर्तनों को हम एक साथ रखे रहते हैं पर वो बर्तन हमारे काम के नहीं आते हैं, इसलिए उनको कैटेगरी वाइज बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप रेगुलर में कितने बर्तनों को यूज़ करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम बर्तनों का ढेर सारा स्टॉक बना के रखे रहते हैं और वो सारे बर्तन हमारे काम के नहीं आते हैं। तो उन बर्तनों को पहले छांट के अलग अलग कर लीजिए, सारे बर्तनों को कैटेगराइज वाइज बना लीजिए, और उसके बाद में आप देखिए कि किन बर्तनों को आपको रेगुलर यूज में रखना है और किन बर्तनों को आपको हटाना है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप सबसे पहले बर्तनों को मतलब कैटेगराइज जरूर करें। तो आगे ये बर्तन हमारे भविष्य में हमारे काम आएंगे आगे चल के, ऐसा हम सोचकर बहुत ढेर सारे बर्तनों को वहां पर रखकर छोड़ देते हैं, और इससे होता क्या है कि जब भी हमें जरूरत पड़ती है ना
तो हमें वो चीज़ें कभी भी मिलती नहीं है टाइम पर, है ना। तो हमेशा क्या करिए, आपकी आज का सोच के काम करिए कि हमें आज किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को अपने हिसाब से रखिए। फ्यूचर का मत सोचिए कि फ्यूचर में ये बर्तन हमें काम आएंगे, हो सकता है कि हमें वो बर्तन काम ना आए, हमारा मूड चेंज हो जाए, हम बर्तनों को हटा दें। तो इससे अच्छा है कि आप आज देख के काम करिए कि आज आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप उस पर फोकस करिए और उन चीज़ों के हिसाब से अपनी किचन को मेंटेन करिए। जब भी आप डीक्लेटरिंग करें किचन में ना, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काबू रखिए। पता है चीज़ों से लगाव बहुत ज़्यादा होता है और चीज़ों को हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही इमोशंस में बहते रहेंगे तो हमारे घर में हो जाएगा ढेर सारा क्लेटर, हर जगह पे हमें क्लेटर क्लेटर ही दिखाई देगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल किया जाए और आप ऐसी चीज़ों को आप अपनी किचन से हटा दें जिसे आप यूज़ नहीं करते, उसे किसी और को डोनेट कर दें, जिससे कि किसी और की भी हेल्प हो सकेगी और दूसरे का भी काम बन सकेगा। तो आपके घर से निकला जो आपके लिए वो बेकार की चीजें, वो किसी के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है, इसलिए चीजों को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ बर्तनों के साथ हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और उन्हें हम यूज़ करते हैं, तो उन्हें यूज़ करने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। जैसे कि ये मेरा तवा है, तो रोटी बनाना मुझे इस पे ही अच्छा लगता है। नॉनस्टिक के तवे पे मैं रोटी नहीं बना सकती, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, मैं उसे नहीं लेती हूँ। और ऐसे ही मेरे और भी बाकी बर्तन हैं जिसे मैं यूज़ करने में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उन बर्तनों को ही रखती हूँ। तो आप ऐसे बर्तनों को हटा दीजिए जिसके साथ आपको काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ऐसे बर्तनों को अपनी किचन में अननेसेसरी मत भरिए। जिन चीज़ों में आपको काम करने में अच्छा लगता है, ऐसे ही बर्तनों को अपनी किचन में आप स्पेस दीजिए। और इस तरह से आपने अगर बर्तनों को रखा हुआ है अपनी किचन में, तो आप अपने बर्तनों को वहां से हटा दीजिए। जो भी सामान आपने क्लेटर करने के बाद में डोनेट करने के लिए निकाला है, किसी को देने के लिए निकाला है ना, तो एक बार आप उसे फिर से चेक कर लीजिए, कहीं कोई ऐसा सामान तो आपका नहीं चला गया जो आपके काम का है और उसमें चला गया है। तो इसलिए आप उसे रीचेक जरूर करें। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई सामान ऐसा चला गया है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, या आप मतलब बहुत ज़रूरत होती है आपको उसकी, तो वो सामान आप उसमें से वापस निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सामान निकाला था, तो मुझे छोटे से ग्लास हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़े मेरे काम आ सकते हैं, तो ऐसा सोच के मैंने इनको निकाल लिया। और इसलिए रीचेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम ऐसे सामान को भी हटा देते हैं कि जो हमारे काम का नहीं होता है, और फिर बाद में हम फील करते हैं कि वो सामान हमने क्यों हटा दिया ना, तो वो गिल्टी फील हो। इससे अच्छा है कि आप सामान को रीचेक जरूर करें जब भी आप सामान को हटाएं। तो जो सामान आपने निकाला है किसी को देने के लिए, उस सामान को आप तुरंत ही किसी को दे दीजिए, अपने घर से हटा दीजिए, जिससे कि आपके माइंड भी आपका फ्री हो जाए और कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका फिर बाद में माइंड चेंज होने लगे, आप उससे लगाव फील करते हैं ना। तो इसलिए टाइम से ही उन चीज़ों को आप किसी को दे दीजिए, ताकि वो भी चीज़ें किसी के काम आ सकें। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।